खबर कोचिंग संस्थानों से जुड़ी हुई है, जहां शिक्षा के नाम पर रीवा जिले में कोचिंग संस्थानों के द्वारा जमकर अवैध कारोबार किया जा रहा है। खासकर रामा गोविंद पैलेस में कोचिंग संस्थानों की दुकानदारी जमकर फल फूल रही है, जहां ना तो योग्य शिक्षक हैं और ना ही किसी प्रकार की सुविधाएं। झूठे वादे और प्रचार प्रसार कर छात्रों के साथ ठगी की जा रही है। कोचिंग संस्थानों के नाम ऐसे लिखे जाते हैं जैसे इन कोचिंग संस्थानों में ज्वाइन किया तो सीधे कलेक्टर और एसपी बनना तय है। हद तो अब यह हो गई है कि कोचिंग संचालक और यहाँ पढ़ाने वाले लोगों के बीच इन दुकानों पर कब्जा करने का मामला थाने पहुंचने लगा है। ताजा मामला रामा गोविंद पैलेस में संचालित पीएसएस विजन एकेडमी का है, जहां के तथाकथित संचालक थाना पहुंचकर शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले पुनीत पांडे निवासी प्रयागराज उत्तर प्रदेश, शिव कुमार गुप्ता निवासी चिलविला प्रतापगढ़, संजय सिंह निवासी रामपुर हाउस के पास सिविल लाइन रीवा के ऊपर कोचिंग में कब्जा करने का आरोप लगाया है। थाना पहुंचे युवक ने बताया कि वह कोचिंग का संचालक है और किराए से दुकान लेकर संस्था चला रहा था, लेकिन विगत दिनों किसी कारणवश वह बाहर चला गया तो शिक्षक उसकी कोचिंग में कब्जा कर लिया है। अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन देकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिले में कोचिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ छात्रों के साथ ठगी की जा रही है। इन कोचिंग संस्थानों में उत्तर प्रदेश बिहार से आने वाले लोग पढ़ा रहे हैं। अगर इतने ही योग्य होते तो अपने प्रदेश और जिले में रहकर कोई संस्था चला रहे होते, लेकिन इन कोचिंग संचालकों के द्वारा बाहर से बुलाकर शिक्षकों के नाम पर लूट खसोट की जा रही है। इसके पीछे भी वजह यह बताई जाती है कि यहाँ के लोगों को यहाँ के छात्र अच्छे से पहचानते हैं, जिसके चलते बाहर से बुलाकर छात्रों का शोषण किया जा रहा है। इन कोचिंग संस्थानों पर ना तो पुलिस प्रशासन का ध्यान है और ना ही शिक्षा विभाग का। कुकुरमुत्ता की तरह फैले कोचिंग संस्थान सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ ठगी कर रहे हैं। अब इनकी दुकानों में कब्जा करने के भी मामले सामने आने लगे हैं। आइए सुनाते हैं कोचिंग सेंटर पर अपना दावा करने वाले युवक और पुलिस का क्या कहना है। मेरी कोचिंग रामा गोविंद पैलेस में चल रही है, पीएसएस विजन एकेडमी में। मैं इस कोचिंग में जून माह में पंचायत चुनाव था तो मैं चला गया था पंचायत चुनाव में, तो कुछ दिन के लिए चला गया था, 10-15 दिन के लिए। तो उसके बाद जब मैं वापस आया कोचिंग में, जब जो हमारे सहयोगी हैं उनसे मैं बात किया कि अब मुझे फिर से यहाँ कंटिन्यू करना है, मुझे बैठना है, आप लोग ठीक है, आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जब इनसे बात की गई तो ये मुझे मतलब कोचिंग से निष्कासित करने का, मतलब कि आप यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं है, अब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप अगर यहाँ दोबारा यहाँ दिखे पैलेस में तो आपको जान से भी मारा जाएगा और यहाँ आपको बेइज्जती भी की जाएगी। ये पुनीत, शिव, संजय, पुनीत पांडे, शिव गुप्ता और संजय सिंह। कोचिंग संचालक आप हैं? हाँ, कोचिंग संचालक मैं हूँ। पीएसएस बिल्डिंग जो ली गई थी, मैं किराए से बिल्डिंग लिया हूँ जी, मैं लिया हूँ। किसके नाम से रेंट कटता है? रेंट जैसे मैं एक अनिल सिंह चौहान का लिया हूँ और एक जितेंद्र सिंह का लिया हूँ और एक त्रिपाठी जी हैं उनका। इसका लिखा पड़ी हुई होगी जैसे? हाँ उसका है, हाँ रेंट एग्रीमेंट है मेरे पास उसका। तो उसका कैसे अधिकार? किराया मैं देता हूँ, मैं जैसे देता था उनको जो भी किराया देता था रेंट, तो मेरे करंट अकाउंट से जाता था, करंट अकाउंट मेरे कोचिंग के नाम है और वो जैसे जो भी कटता था तो कोचिंग से मैं देता था उसको, जैसे किसी को अगर कैश भी देता था, ऐसा नहीं है पर अक्सर करंट अकाउंट से ही डेबिट होता। सभी लोग शिक्षक हैं वहाँ के? हाँ मैं शिक्षक हूँ वहाँ का। संचालक थे अभी तक आप? हाँ मैं अब संचालक हूँ वहाँ का जी। है ना, अभी तक मतलब ये संचालक थे, अब अधिकार, अब हाँ अधिकार छीना जा रहा है मेरा वहाँ पे। मैं वहाँ संचालक के तौर पर था, अब मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे धमकी दी जाती है जान से मारने की और अवैध कोचिंग में कब्जा करने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुशवाहा है। ये जो पीएसएस आपकी एकेडमी है, इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ग्रुप आपने बनाया होगा? नहीं, मेरा जो इसका जैसे रजिस्ट्रेशन है श्रम विभाग से है, मैं उसका स्वयं मालिक हूँ, प्रबंधक हूँ उसी का, अभी करता हूँ। और मेरा उद्योग विभाग से है, उसमें मैं स्वयं इस कोचिंग का मालिक हूँ। जो मेरा करंट अकाउंट यूनियन बैंक से संचालित है, मैं उसमें स्वयं एक खाते का लेन देन करने वाला हूँ जी। तो
अभी क्या शिकायत की है आपने? शिकायत यही है कि मेरे जो मेरी कोचिंग है मुझे जल्द से जल्द दिलाई जाए, मैं उसमें शिक्षा का कार्य जो भी है मैं उसको त्वरित प्रारंभ करूं और मैं अपने स्तर से मतलब कोचिंग को चलाऊं जो जैसे शिक्षा के जैसा करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ, ये अजय कुमार कुशवाहा जी हैं, इनकी ये विजन अकेडमी कोचिंग सेंटर है रमा गोविंद पैलेस में। इनने एक शिकायत दी है कि कुछ शिक्षकों को इनमें रखा था क्लास लेने के लिए, उनके द्वारा इनकी कोचिंग पे कब्जा कर लिया गया है। तो अभी आवेदन प्राप्त हुआ है, अपन लेबर ऑफिस से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि किसके नाम पे कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड है। जानकारी आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।